годы разве вспоминают детство? Помню наше место. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारे पास होंडा सिटी बेस मॉडल वी वेरिएंट। तो इसकी मैं एक्सेलरेशन और इसका राइड रिव्यू देने वाला हूँ। देखते हैं कैसी चलती है और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये। सो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ अब इसे। भाई मेन चीज ये कार ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है जितनी मैं चला रहा हूँ। फिलहाल दूसरे गियर पे हूँ लेकिन कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है। अब गियर चेंज तीसरे पे। भाई क्या पिकअप है यार, एक्सलरेशन तो क्या ही बात है। चौथा गियर, ओ भाई पावर पावर। होंडा की रिफाइनमेंट सबसे बेस्ट है यार, गाड़ी में पावर है। टॉप गियर, क्या भाग रही है भाई, बबलिंग तो नहीं है गाड़ी में, बढ़िया। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है यार, कैरी 80 के एमपीएच पे जाओ। चलो ये तो यार सही हो गया, 140 चली गई भाई, पता भी नहीं चला क्या पावर है गाड़ी में। 118 bhp होंडा ने इतनी बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं इस पर कि पता नहीं चलता भाई, क्या ट्यूनिंग है इंजन की। खैर हाईवे हो गया ख़त्म, अब अपने को इधर से टर्न लेना है तो यहीं से ले सकते हैं। बाकी इधर नीचे है कट, तो कट से लेंगे टर्न और चलते हैं घर पे। अब सिटी राइड की बारी है तो सिटी राइड करके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है हमें। हाईवे पे तो क्या ही क्रूजिंग है भाई, गाड़ी क्रूज़ करने के लिए बहुत बढ़िया। इस पे देख रहे हो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब कुछ है। चलो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। गाड़ी की रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है यार। और एक्सेलरेशन की क्या ही बात है, मतलब एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। होंडा तो होंडा है ये भाई, होंडा एक्सेलरेशन के लिए मशहूर है वैसे भी, तो बेशक एक्सेलरेशन तो बहुत बढ़िया होना ही है। स्मूथ बहुत है गाड़ी भाई, क्रूजिंग के लिए सही है। बाकी सिटी राइड के बारे में अभी बताता हूँ मैं, पहुँच रहे हैं सिटी के अंदर करके। स्मूथनेस बहुत है भाई गाड़ी में, केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं बार बार, स्मूथ बहुत है। और वैल्यू फॉर मनी मॉडल, ये पेट्रोल है बताना भूल गया था मैं, तो उसी हिसाब से पावर भी होगी। अब डीजल पेट्रोल, और हाँ कंपैरिजन ज़रूर आएगा ओल्ड वाली होंडा सिटी और नई वाली होंडा सिटी का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। यार बहुत मेहनत लगती है यार, और सबसे ज़्यादा बटरिंग करनी पड़ती है ओनर को। तो ये था इसका राइड रिव्यू, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये कार का मेरा पहला राइड रिव्यू था। बाकी माइलेज टेस्ट वगैरह जो भी हो वो भी देखेंगे फिर कभी आगे, अगर
सब्सक्राइब करोगे तो ज़रूर मिलता रहेगा सब कुछ। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई कैसे मिलेगा यार, बताओ। मेरे से कौन होगी बंद? हाँ, गाड़ी चलाने में तो बहुत बढ़िया थी। ओनर ने मेरा एक्सपीरियंस पूछा कैसा लगा चला के, चलाने में बटरी स्मूथ गाड़ी, एक तो न्यू भी है ना यार। चली कितनी है? 2220 किलोमीटर ही चली अभी। चलो चाचा, सबसे बड़ी दिक्कत होती मोटरसाइकिल वाले। ठीक तो इस बुला लो, उठा लो वीर। अब सिटी की बात करी जाए तो अभी दूसरे गियर पे हूँ, लेकिन भाई कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है इंजन की, कि पता चल रहा हो गाड़ी के अंदर, या गाड़ी ओवर एक्सलेरेट कर रहे हो तो भी पता चल रहा हो। मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ब्रेकिंग तो बहुत सही है यार। मैंने 140 पे जब थी गाड़ी तो ब्रेक लगाए थे, क्या स्मूथ है। एसी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।